नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में बताएंगे कि Samsung Galaxy M21 में स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, या आपका कोई भी Samsung Galaxy कंपनी का मोबाइल है उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो है आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी ऐप से मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, या जो वीडियो आप देख रहे हैं। तो इस ऐप का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर। इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस ऐप का इंटरफेस इस प्रकार होगा। यहां पर आपको तीसरे नंबर पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर टाइम डेली बिफोर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काउंटडाउन टाइमर सिलेक्ट कर लेना है। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ सेकंड का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। उसके बाद जो है आपके मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू होगा। तो यह काउंटडाउन टाइमर जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 30 सेकेंड सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको रिकॉर्डिंग इंजन पर जो सिलेक्ट है यहीं आपको रहने देना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर मैजिक बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है सो सिंपल मैजिक बटन और सो मैजिक बटन, इन दोनों को आपको ऑन कर देना है। इसकी सहायता से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेजुलेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेजुलेशन सिलेक्ट कर लेना है, जिस रेजुलेशन में आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है आपको ऑटो रखना है। अब इससे यह होगा, जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करने के दौरान अगर आप अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट में घुमाते हैं तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वह पोर्ट्रेट में होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप में घुमाएंगे तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वह लैंडस्केप में होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करने के दौरान अगर आप अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड ऑडियो है इसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करने के दौरान अगर आप अपना कैमरा भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो शो कैमरा है इसको आपको ऑन कर देना है। तो आपको इस एप्लीकेशन में सेटिंग करना है। उसके बाद जब आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर को अपने नोटिफिकेशन बार में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस थ्री बिंदु पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बटन ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप इसे जहाँ रखना चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको डोंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आप यहां से आसानी से अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।